इस दुनिया में एक से बढ़कर एक नशीली शराब बिकती है और पीने वालों की तादाद भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आज मैं जिन पांच शराब के बारे में बताऊंगा वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनके एक घूंट भी पी लिया तो दिन भर झूमते फिरोगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो मजा लेने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। बकार्डी 151 ये हाई एल्कोहलिक रम है जो बरमूडा में स्थित बकार्डी लिमिटेड ऑफ हैमिल्टन में बनाई जाती है। ये रम स्टेनलेस स्टील फायर अरेस्टर के साथ आती है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर कॉकटेल जैसे क्यूबा लिब्रे और डेक क्यूरिज बनाने के लिए किया जाता है। इस ड्रिंक को नीट पीने की कोशिश कभी न करें, ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सनसेट रम ये दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल रम है। सनसेट रम को 2016 में वर्ल्ड की बेस्ट ओवर प्रूफ रम का खिताब दिया गया था। इसके बोतल पर भी लिखा होता है कि आप इसे मिक्सर के साथ ही पिए, नहीं तो इसे ज्यादा पीने से ये आपके गले में जलन पैदा कर सकती है और गलती से भी इसे नीट पी लिया तो आपको इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। बालकन 176 बोर्ड का ये ट्रिपल डी स्टील बोर्ड का स्कैंडिनेवियाई ड्रिंक्स में सबसे मजबूत मानी जाती है। ये कलरलेस और टेस्टलेस होती है। इसके साथ ही इसमें कोई महक भी नहीं होती, मतलब आप इसे पिएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ड्रिंक की है। ये इतनी स्ट्रांग है कि इसके बोतल पर 13 प्रकार के वार्निंग लेबल लगे होते हैं। इसे ज्यादा पीने से आपकी मौत भी हो सकती है। पिंसर शंघाई स्ट्रेंथ ये स्कॉटलैंड की बोर्ड का है। ये ड्रिंक मिल्क स्टील और एल्डर फ्लावर से बनी होती है जो लीवर के लिए अच्छी मानी जाती है। हालांकि ये ड्रिंक आपको कुछ ही सेकंड में एकदम हाई कर देती है। ये ड्रिंक एक कंसेंट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है। गुड ओल्ड सेलर बोर्ड का ये बोर्ड का स्वीडन में लोग पी रहे हैं। इसे वहाँ खूब पिया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में ये ड्रिंक पॉपुलर नहीं है। इस ड्रिंक के बारे में जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसे ऑर्गेनिक ग्रेन्स और वेटर्न तालाब के साफ पानी से बनाया जाता है। इसके साथ ही इसमें मॉडर्न डिस्टिलरी टेक्नोलॉजी को रेडिशनल स्किल से मिलाया जाता है।